गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्पर्श का चैप्टर 5 पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, ये आज हम पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप लोग बच्चों सभी अपनी अपनी किताबें खोल करके इसको ध्यान से देखें, उसके बाद आप इसका भावार्थ समझने की कोशिश करें। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। छायावाद वो है जहाँ पर प्रकृति का चित्रण किया जाता है, जहाँ पर एक रहस्यवाद है, जहाँ पर प्रकृति को आच्छादित रूप में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, वो है छायावाद। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभकारों में सुमित्रा नंदन पंत का नाम मुख्य रूप से आता है। सुमित्रा नंदन पंत के अलावा भी महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं जिन्होंने छायावाद को बढ़ाया है। ये कविता छायावादी कविता हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रकृति का वर्णन किया गया है। जहाँ पर प्रकृति का वर्णन मानवीकरण के रूप में किया जाता है वो छायावादी कविता होती है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन दिखाया जाता है, जहाँ रहस्यवाद होता है, ये छायावादी कविता है। तो बच्चों आप देखो, सुमित्रा नंदन पंत जो हैं इनका जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के कोसानी में इनका जन्म हुआ। कहते हैं कि जब इनका जन्म हुआ उसके कुछ समय पश्चात ही इनकी माता का देहावसान हो गया था। इनका पालन पोषण इनके पिता गंगादत्त जी ने किया और कुछ वर्षों बाद उनका भी निधन हो गया। लेकिन कहते हैं कि बचपन से ही इनके अंदर एक कवि का हृदय था और इन्होंने कविता लिखना और पढ़ना प्रारंभ किया। इन्होंने म्योर सेंट्रल कॉलेज में इन्होंने प्रवेश लिया और अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ करके गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लेना प्रारंभ किया। पंत केवल जब 5 साल के थे तभी इन्होंने अपने स्कूल के अंदर काव्य पाठ किया था, उस काव्य पाठ के लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया। कहते हैं कि 1915 के बाद ये स्थायी रूप से कविता सृजन करने लगे थे। इनके द्वारा लिखी गई कई सारी कविताएं हैं, कई सारे काव्य संग्रह हैं। उस काव्य संग्रह में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा भी इन्होंने और भी कई सारे काव्य रूपक लिखे हैं, जिसमें रजत शिखर, शिल्पी और सौंदर्य, ये इनके काव्य रूपक हैं। इनको इनकी कृति कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके अलावा भी इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलावा भी इनको सोवियत भूमि पुरस्कार से नवाजा गया। 1969 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत जी का निधन 26 दिसंबर 1977 को हुआ। साहित्यिक रचनाओं के प्रति इनका प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है, अगर हम देखें, और कई जगह कविताएं ऐसी हैं जहां पर कार्ल मार्क्स और गांधी जी के विचारों का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा है। अरविंद दर्शन से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। 1969 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने लोकायतन नामक एक सांस्कृतिक संस्था की स्थापना भी इन्होंने की थी, और उसकी स्थापना इन्होंने की। उसके अलावा ये आकाशवाणी के परामर्शदाता के रूप में इन्होंने कार्य किया। उदय शंकर संस्कृति केंद्र से ये जुड़े हुए रहे। ये इनका बच्चों परिचय था। अब आप कविताओं की तरफ चलते हैं अपन। अब आप देखो, सबसे पहले आप इनका पहला पद जो है, पहला, उसको आप ध्यान से देखो। पर्वत प्रदेश में पावस का फर्स्ट पैराग्राफ देखो आप। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसमें बच्चों ये कविता जो है, इस कविता के अंदर आपको कई जगह अलंकार के उदाहरण आपको मिलेंगे। अब आप सबसे पहला जो उदाहरण है उसमें आप देख सकते हो, फर्स्ट की 2 लाइन में आप देखो ध्यान से। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश।
पावस ऋतु, पावस का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु थी। पर्वत प्रदेश में, पर्वतों का प्रदेश, चारों तरफ पर्वतमालाएं हैं और उस पर्वतमालाओं में वर्षा का मौसम था। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और प्रकृति जो है पल पल में अपना वेश बदलती जा रही थी। वेश बदलना मतलब अपने अपना मेकअप चेंज करना। अपन बार बार कहीं जाते हैं अपने कपड़े चेंज करते हैं, ऐसे प्रकृति भी अपना रूप जो है बार बार परिवर्तित कर रही थी। आप खुद जानते हो जब बारिश आती है कैसा मौसम हो जाता है, कहीं पर लाल सूर्य खिलता है तो लालिमा, कहीं पर काले बादल आते हैं तो काला काला हो जाता है, और कहीं पर इंद्रधनुषी रंग हो जाता है। तो ये क्या होता है, वर्षा ऋतु में आप देखते रहते हो ऐसा, कभी बहुत ज़्यादा जब भाप की तरह दिखाई देता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद मौसम हो रहा हो। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है, अपना रूप बदलती रहती है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसमें आप देखो बच्चों, प प वर्ण की आवृत्ति हो रही है, पल पल में प, परिवर्तित में प, पावस में प और प्रकृति में प। इस प्रकार जहाँ पर प वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये अनुप्रास अलंकार का एक आपका एग्जाम्पल है। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। मेखलाकार, मेखला का मतलब होता है एक आभूषण, मेखला जिसको अपन कहते हैं करधनी, जो कि कमर में बांधी जाती है, करधनी या कनकती जिसको अपन कमरबंद, ये कई सारे एग्जाम्पल है जिसको अपन कहते हैं जो कमर में पहनने वाला एक आभूषण है। तो मेखलाकार, मेखला का मतलब होता है करधनी के आकार का एक पर्वत है, जो आपने देखा है कमरबंद कैसा होता है, आधा ऊपर की तरफ और होता है आधा नीचे की तरफ होता है। तो इसी प्रकार से पर्वत भी क्या है, आधे ऊपर है और आधे नीचे की तरफ है। तो मेखलाकार पर्वत अपार, चारों तरफ जो है मेखला के आकार के पर्वत हैं, अपने सहस्त्र द्रग सुमन फाड़। सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, सहस्त्र का मतलब है हजारों, दृग मतलब आँखें, कि पर्वतमाला जो है वो अपने हजारों आँखों से दृग सुमन फाड़, सुमन मतलब पुष्प, अपनी पुष्प रूपी हजारों आँखों से आँखें फाड़ फाड़ करके पर्वत देख रहा है। कैसा लग रहा है, पर्वत के ऊपर जो पुष्प खिले हुए हैं, क्या हो रहा है पर्वत के ऊपर, क्या हो रहा है, पुष्प खिले हुए हैं। तो कवि कल्पना कर रहा है, क्या कल्पना कर रहा है कवि, सुमित्रा नंदन पंत ये कल्पना कर रहे हैं कि पर्वत के ऊपर जो पुष्प खिले हुए हैं वो हजारों पुष्प हैं, और उन हजारों पुष्प रूपी आँखों से क्या कर रहे हैं, हजारों पुष्प रूपी आँखों से। अब यहाँ पर पुष्प को किसकी उपमा दी गई है, आँखों की, किसकी उपमा दी गई है, आँखों की। तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत मानो पुष्प रूपी आँखों से आँखें फाड़ फाड़ करके देख रहा हो। दृग सुमन पुष्प रूपी आँखें, यहाँ पर रूपक अलंकार है, कौन सा अलंकार है, यहाँ पर रूपक अलंकार। तो हजारों पुष्प रूपी आँखों से पर्वत जो है देख रहा है, अवलोक रहा है बार बार, अवलोक मतलब देख रहा है, बार बार वो देख रहा है। नीचे जल में निज महाकार, नीचे जो जल है उस जल के अंदर महान आकार, अपने महान आकार को, पर्वत का आकार कितना बड़ा होता है, उस महान आकार को पर्वत उस जल के अंदर अपने आप को देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल, उस पर्वत के चरणों में क्या है, बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब के अंदर वो अपने महान आकार को देख रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, और वो तालाब जो है कैसा लग रहा है, दर्पण के समान लग रहा है, कैसा लग रहा है, दर्पण। आप देखो अपना प्रतिबिंब, ऐसा क्यों कहा गया है उसको, क्योंकि आप जब हम तालाब में देखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर झलकता है। जब हम किसी पर हम देखते हैं दर्पण आकाश, इसमें ठहरे हुए पानी के अंदर, तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसलिए कवि ने तालाब को किसकी उपमा दी है, दर्पण की। दर्पण सा फैला है विशाल, ये तालाब जो है दर्पण के समान विशाल है, उस विशाल दर्पण के अंदर पर्वत जो है अपने स्वरूप को देख रहा है। तो दर्पण सा में कौन सा अलंकार है बच्चों, उपमा अलंकार। दर्पण सा, यहाँ पर सा लगने से ये उपमा अलंकार हो गया है, और आप देखो कि तालाब को किसकी उपमा दी गई है, दर्पण की, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। हाँ, सेकंड आप देखेंगे, गिरी का गौरव गाकर जर जर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी का गौरव गाकर जर जर, गिरी क्या होता है, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत पे से जब जर्जर जर की आवाज़ आती है, क्या होता है जर्जर, क्या होता है जर्जर मतलब झरना, जब झरना नीचे गिरता है पहाड़ों से तो उसमें से जर्जर की आवाज़ आती है। तो ऐसा लग रहा है जब वो जर्जर करता हुआ झरना जब नीचे गिर रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो वो क्या कर रहा है, गिरी का गौरव गाकर जर्जर, मतलब वो झरना मानो इसका गुणगान कर रहा हो, झरने मतलब प्रकृति का गुणगान कर रहा हो, पर्वतों का गुणगान कर रहा हो, ऐसा आभास हमें होता है।
मद में नस नस उत्तेजित कर, और जब वो जर्जर की आवाज़ जब नीचे की तरफ आती है, पानी जब नीचे की तरफ गिरता है और वो आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, मद में, मद मतलब नशे में, नस नस उत्तेजित कर, और प्रकृति की नस नस में उत्तेजना का संचार होता है। ऐसा लगता है मानो मादकता का नशा जो है चारों तरफ फैल गया है, सारी प्रकृति जो है नशे में आरूढ़ हो जाती है उस जर्जर की आवाज़ को सुन करके। मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं जाग भरे निर्जर, निर्जर मतलब झरना, जब झरना नीचे गिरता है और वो पानी जब नीचे गिरेगा तो आपको पता है जाग की तरह हो जाता है, और जाग की तरह हो जाता है तो कवि ने उस जाग को किसकी उपमा दी है, मोती की लड़ियों की, किसकी उपमा दी है, मोती की लड़ियों की उपमा दी है। तो वो झरना जब नीचे की तरफ गिरता है और वो जब चारों तरफ इकट्ठा हो जाता है वो जाग, तो ऐसा लगता है मानो मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देता है। तो मोती की लड़ियों से सुंदर, तो बच्चों यहाँ पर भी उपमा अलंकार है, क्योंकि झरने की तुलना मोती की लड़ियों से की गई है, जो जाग भरा जो झरना है उसकी तुलना मोती की लड़ियों से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। जरते हैं जाग भरे निर्जर, और ये जाग इकट्ठा हो जाता है झरना, और मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देता है, और चारों तरफ प्रकृति के अंदर एक उत्तेजना का संचार होता है जब वो झरना नीचे की तरफ गिरता है। नेक्स्ट देखो, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर मतलब पर्वत, पर्वत से जो है उठ उठ करके उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर मतलब वृक्ष, आपने देखा है पहाड़ों पर लंबे लंबे वृक्ष लगे होते हैं, और वो लंबे लंबे वृक्ष ऐसा लगता है मानो पहाड़ को ही छू रहे हो, आसमान को छूने वाले हो, ऐसा लगता है वो। तो गिरिवर के उर में उठ उठ कर, उर मतलब हृदय, ऐसा लग रहा है कि पर्वत के हृदय में उठ उठ करके उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, तरुवर मतलब जो लंबे लंबे वृक्ष लगे हुए हैं उन वृक्षों की कुछ उच्च आकांक्षाएं हैं। उच्च आकांक्षाएं किसकी होती है, वृक्षों की उच्च आकांक्षाएं हो सकती है, उच्च आकांक्षाएं तो मानव की होती है, मानव कुछ करना चाहता है, आज आपकी उच्च आकांक्षाएं, आप चाहते हो कि हमें क्या बढ़ना है, आगे आप क्या बनना चाहते हो, आपकी एक आकांक्षा है, आगे बढ़ने की आकांक्षा है, कुछ पैसा कमाने की आकांक्षा है, तो ये उच्च आकांक्षाएं होती है। लेकिन यहाँ पर उच्च आकांक्षाएं किसकी है बच्चों, तरुवर की, वृक्षों की उच्च आकांक्षाएं हैं। उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, वृक्ष जो है उच्च आकांक्षाओं के साथ वो ऊपर झांक रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर मतलब क्या है इसका, गिरिवर पर्वत के हृदय से उठ उठ करके जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं वो ऐसा लग रहा है मानो वो उनकी उच्च आकांक्षाएं हैं, वो कुछ छूना चाहते हैं, आसमान को छूना चाहते हैं। हे झांक रहे हैं नीरव नभ पर, वो वृक्ष क्या कर रहे हैं, झांक रहे हैं आसमान को, नीरव नभ मतलब शांत, नभ मतलब आकाश, शांत आकाश को वो झांक रहे हैं। अनिमेश अटल कुछ चिंता पर, अनिमेश बिना पलक झपकाए, अनिमेश का मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए हुए, अटल स्थिर होकर के कुछ चिंता के साथ, कुछ चिंता के साथ एक स्थान पर खड़े होकर के कुछ चिंता के साथ वो नीरव नव शांत आकाश को वो झांक रहे हैं। ऐसा आभास हो रहा है किसको, गिरिवर के उर से, गिरिवर मतलब पर्वत के हृदय से ही उच्च आकांक्षाएं कि वृक्ष आसमान को छू लेंगे, ऐसी आकांक्षाएं उनके हृदय से बार बार उठ रही है, मतलब बार बार चाहते हैं कि पहाड़ की छाती से भी वो ऊंचा उठे और वो आकाश को छू लें, ऐसे ही उनकी आकांक्षाएं हैं। नेक्स्ट देखो, आप उड़ गया अचानक लो भूधर, लो अचानक से जो है ये आकाश उड़ने लगा, ऐसा लग रहा है कि लो अचानक से जो है ये भूधर धरती को धारण करने वाले, ऐसा लग रहा है कि लो अचानक से जो है ये भूधर उड़ने लगा है, पर्वत उड़ गया है ऐसा लग रहा है, क्यों कहा ऐसा, क्यों बोला है, बादलों के पंखों को लगा करके, कैसा लग रहा है, बादलों के पंखों को लगा करके मानो ये उड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है जब वर्षा ऋतु आती है तो आपने देखा है बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, और जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं तो पीछे जो भूधर मतलब पर्वत है वो पर्वत दिखाई नहीं देता है, चारों तरफ बदल जाते हुए दिखाई देते हैं, और आकाश मतलब उस बदलों और आकाश की वजह से पर्वत कहीं दिखाई नहीं देता है। अचानक उड़ गया अचानक लो भूधर फड़का अपार पारद के पर, ऐसा लग रहा है कि बादलों के पंखों में बैठ करके मानो पर्वत जो है इधर से उधर उड़ रहा हो, चारों तरफ शांति छा गई है। फड़का अपार पारद के पर, पारद सफ़ेद रंग का पारा होता है,
आपने देखा थर्मामीटर में होता है पारा जो शाइनिंग मारता है, तो ऐसे ही बादल जो है शाइन मारते हुए ऐसा लग रहा है कि बादल रूपी पंखों को लगा करके पर्वत मानो उड़ रहा है। फड़का अपार पारद के पर, पारद सफ़ेद रंग के बादलों के पंख लगा करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ रहा है ऐसा प्रतीत होता है। रवशेष रह गए हैं निर्जर, रव मतलब आवाज़, निर्जर जड़ों की केवल आवाज़ ही शेष रह गई है, कुछ भी सुनाई नहीं देता है वर्षा ऋतु के समय में, कुछ भी सुनाई नहीं देता है, चारों तरफ केवल जड़ने की आवाज़ ही सुनाई देती है। हे टूट पड़ा भू परंबर, और ऐसा लग रहा है कि मानो धरती के ऊपर आकाश ही टूट पड़ा हो, भयंकर बारिश आती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश ही टूट पड़ा है, सारा धरती पर ही आ गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। धस गए धरा में सभय साल, धस गए धरा में, धरा मतलब धरती के अंदर, सभय भय के साथ, धस गए धरा में सभय साल। साल का मतलब क्या होता है, साल के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं पर्वतों के ऊपर, साल के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, लेकिन बारिश आने की वजह से और बादलों के इधर से उधर चक्कर काटने की वजह से ये साल के वृक्ष जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, और ऐसा लगता है मानो ये धरती के अंदर डर के मारे छिप गए हैं। किससे डर रहे हैं ये, बारिश से, वर्षा ऋतु आ रही है और वर्षा से ऐसा लगता है मानो डर करके ये इस धरती के अंदर छिप गए, कौन, साल के वृक्ष, साल के वृक्ष जो है डर के मारे इस धरती में छिप गए हैं। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और ताल मतलब तालाब, और तालाब के अंदर धुआं उठ रहा है भाप की, आपने देखा है जब वाष्पीकरण की क्रिया होती है भाप बनती है, कहीं भी तालाबों में जब भाप बनती है तो धुआं सा निकलने लगता है, तो ऐसा ही लगता है वर्षा ऋतु के अंदर भी मानो क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है उठ रहा धुआं जल गया ताल, ऐसा लग रहा है मानो तालाब जल रहा है और भाप बन करके उसमें से उड़ रहा हो, धुआं निकल रहा हो ऐसा प्रतीत होता है। यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसा लगता है जलद यान, जलद यान मतलब बादल, जलद का मतलब होता है बादल, इस बादल रूपी यान के अंदर विचर विचर, विचर मतलब, विचर विचर का मतलब क्या होता है, घूम घूम करके, घूम घूम करके था इंद्र खेलता इंद्रजाल, और ऐसा लगता है कि मानो इंद्र देवता जो है अपनी जादूगरी दिखा रहे हों, अपना इंद्रजाल फैला रखा है उन्होंने, बारिश ऋतु में होता है ना इंद्रधनुष बनता है और बादल इधर से उधर जाते हैं, तो कहीं पर तो लालिमा होती है, धूप निकल रही होती है, कहीं पर बारिश हो रही होती है, आप देखते हो हर एक दो किलोमीटर में ऐसा मौसम चेंज हो जाता है, कहीं अंधेरा हो रहा होता है, कहीं उजाला हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है मानो इंद्र देवता ने अपनी जादूगरी दिखाना चालू कर दिया है और वो अपने बादल रूपी यान के अंदर इधर उधर घूम रहे हैं। जलद रूपी यान, बादल रूपी यान कौन सा अलंकार है बच्चों, रूपक अलंकार, कौन सा है ये, रूपक अलंकार, लेकिन आप देखो विचर विचर, विचर विचर का मतलब होता है घूम घूम करके, घूम घूम करके, विचर विचर के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति दोबारा हो रही है और दोनों का अर्थ सेम आ रहा है, समान आ रहा है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तो यहाँ पर विचर विचर के अंदर आपका कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे ही उठ उठ कर, उठ उठ में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नस नस में, जर जर में और पल पल में, ये यहाँ पर बार बार, ये जो शब्द, एक शब्द जब दोबारा रिपीट हो रहा है और सेम अर्थ है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो आप देखो बच्चों इस पाठ के अंदर आपका सबसे पहले अनुप्रास अलंकार आया, रूपक अलंकार आया, उपमा अलंकार आया, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अलंकारों की भरमार है इस चैप्टर के अंदर, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर आपका छायावादी कविता ही कहलाती है। उसके अलावा इसके अंदर देखो आप मानवीकरण अलंकार की ये सबसे बड़ा उदाहरण है, मानवीकरण अलंकार क्यों बोला है कि इस पाठ के अंदर सारे हाव भाव किसके समान हो रहे हैं, मानव के समान, किसके समान हो रहे हैं, मानव के समान, जैसे अपन अपने कपड़े चेंज करते हैं बार बार कहीं जाना होता है, ऐसे ही प्रकृति भी अपनी वेशभूषा चेंज कर रही है, परिवर्तित कर रही है, जैसे हम अपने रूप को क्या करते हैं आईने में बार बार देखते हैं, ऐसे ही पहाड़ जो है अपनी हजारों पुष्प रूपी आंखों से क्या कर रहा है, तालाब के अंदर देख रहा है, तो ये मानवीकरण, मानव के समान जो क्रियाएँ हो रही है। ऐसे ही देखो गौरव कौन गाता है, गौरव या गुणगान तो मनुष्य करता है, लेकिन यहाँ पर गुणगान कौन कर रहा है, झरना कर रहा है, और आकांक्षाएं किसकी होती है, मनुष्य की होती है, लेकिन यहाँ पर आकांक्षाएं वृक्ष की है,
और कुछ चिंताओं के साथ, कुछ सोच करके, बिना पलक झपकाए हुए, ये सब मानव की क्रियाएं हैं जो प्रकृति कर रही है। और इधर से उधर उड़ रहे हैं और जादूगरी दिखा रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों? ये क्रियाएं मानव के समान है। जहाँ पर क्रियाएं मानव के समान होती है वो मानवीकरण अलंकार होता है। तो बच्चों ये इसके अंदर मानवीकरण अलंकार का ये सबसे बड़ा उदाहरण है ये कविता। तो ये आपका चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी मुझे नहीं लगता है कि कोई आनी चाहिए। और आप इसका भावार्थ स्वयं करें, और वैसे होएगा तो मैं खुद भेजूंगी आपको भावार्थ करके, और भी और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको PDF के द्वारा भेज दूँगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टाइम हम अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।